व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मैं खेलने वाला हूँ दोबारा से एक बार TTD मेरे यार। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि TTD में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंड बाय बहुत ही ज़्यादा आई मीन लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। तो इसीलिए आज मैं करने वाला हूँ द वन एंड ओनली जो अब तक किसी ने नहीं किया। एक्चुअली बहुतों ने करा है, ओनली मिथिकल्स चैलेंज। लेट्स सी कि क्या हम इस ओनली मिथिकल चैलेंज में कितना आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे साथ यहाँ पे अर्पण भी है, लेकिन आज अर्पण कमेंटेटिंग नहीं कर पाएगा, सॉरी गाइस। तो आपको आज उसकी कमेंट्री के बिना ही काटनी पड़ेगी आज की वीडियो। लेकिन चलो अभी चैलेंज तो तब का शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस बंदे ने एक यूनिट लगा दी है, डैमेजिंग यूनिट। अब बस मुझे थोड़े से और पैसे चाहिए, 500। और ये लगा दिया मैंने और इसे कर दिया ऑटो स्किप ऑफ। और अब मैं लगाऊंगा अपने सेंडास। आज के लिए यही गेम प्लान है कि हम लोग इसी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक सेंटा। एक सेंटा लगा दिया मैंने। उस बंदे ने कोई DPS यूनिट नहीं लगाई अब तक। मैं यूँ जो GPS कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, लुक एट दिस रेड लेजर गाय, दिस इज सो लवली गाय। ये बंदे का पता नहीं क्या हुआ। तो अब खैर, अभी हम लोग करते हैं तो ओनली मिथिकल चैलेंज। दो सराग चिल्लाने वाला हूँ, दो लगाए नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे जब हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसेस कर लेंगे, क्योंकि हम उसका एक अपडेट बहुत महंगा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे जब हम थोड़ा आगे पहुँच जाएंगे। तो गाइस, एक छोटा सा थोड़ी सी दिक्कत हो गई है कि जो हमारे अर्पण साहब हैं वो अभी खेल नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम ये अकेले करेंगे। एक DPS यूनिट तो लगा ही रखी है हमने। लुक एट दिस गाय, दिस ब्यूटीफुल गाय, वेरी ब्यूटीफुल। इसका DPS बहुत बढ़ जाएगा इसके वाले अपग्रेड के बाद। अपग्रेड करना पड़ेगा, अभी तक पहुँच नहीं पाएंगे। सो रेड लेजर के लेजर को देखो। वो बंदा लीव कर गया, लेकिन उसके यूनिट्स अभी भी यहीं पर ही हैं।
भाई $200 चाहिए सिर्फ, फिर उसके बाद हम इसे कर देंगे। बस ये अपग्रेड इसका होने ही वाला है। लेट्स गो भाई, एक तो ये सोलो करना बड़ा डर लगता है भाई। कोई बात नहीं गाइस, अब सेंटास को अपग्रेड करेंगे। तो लेट्स गो ओनली मिथिकल चैलेंज में, लेट्स सी हाउ फार वी कैन गेट। I saw very satisfying to watch this. और गाइस आपको एक बात बताऊं, मैंने मैक और कटाना को ट्रेड करा 2 UTCs और इस लार्ज लेज़र और एक टॉक्सिक के लिए। तो आपको बताना है कि वो एक W ट्रेड थी या एक L ट्रेड थी, क्योंकि अगर वो W ट्रेड होगी तो अच्छा होगा, L ट्रेड होगी तो फिर मतलब स्कैम हो गया। तो आप लोग को बताना है कि वो ट्रेड W थी कि L थी, ठीक है? और ईमानदारी से बताना गाइस, क्योंकि आप W बोलोगे तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला है, और अगर आप L बोलोगे तो आपका कुछ जाने नहीं वाला है। तो ईमानदारी से बोलना है गाइस। तो एक तो इस बंदे ने यहाँ पे अपने सेंटर लगा के छोड़ दिए, अब मैं यहाँ पे अपने यूटिलिटीज कैसे लगाऊँ? मुझे यहाँ पे भी नहीं लगा सकता यार, ये बंदा चला भी गया ऊपर से। अब मुझे अपने लार्ज लेज़र ऐसे लगाने पड़ेंगे, फिर UTCs ऐसे लगाने पड़ेंगे। अबे यार यार छोड़ो, जैसा भी है सही बंदा है, दोस्त है अपना सही है। मार दो सबको, मार दो, मार दो सबको, मार दो, वेरी गुड। और अब इसकी रेंज उस ट्रैक तक भी पहुंच गई है, तो एक दो अपग्रेड के बाद इसकी रेंज उस ट्रैक पर भी पहुंच गई है। इसका फाइनल अपग्रेड है क्या? अगर इसके फाइनल अपग्रेड में उसके ऊपर ये आर्मर आया तो इस अपग्रेड में, मतलब अगर इसके आर्मर आया तो हाँ फाइनल अपग्रेड इसका। और शायद से हम फाइनल अपग्रेड करने ही वाले हैं,
इस मिनी गन को मार दे, बस फिर हो जाएगा फाइनल अपग्रेड शायद से। नहीं, 5000 का लास्ट एक और अपग्रेड है। ओके, हाँ 5000 का ये लास्ट अपग्रेड है। मैंने स्टेट्स चेक करके सबको बता रहा हूँ कि 5000 का लास्ट अपग्रेड है, लेकिन उसके लिए मुझे सेंटास को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे चाहिए 5000, उसको क्या मिलता है सेंटास को स्टन करके? वो फायदा मेरा हो रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन तब इन्हें क्या मिलता है? हैं, इन्हें आपको बड़ा 30 मार खाम समझते हैं पर सेंटास को स्टन करके, जैसे बहुत ज़्यादा ही डैमेज ले दिया इन्होंने अपना। लेकिन इनको पता होगा कि सेंटास डीपीएस नहीं करते हैं, तब भी भाई इन्हें रोकना है। भाई साहब सही है, मजा आया। उसके बाद पैसे कलेक्ट करेंगे। तो अभी बस थोड़े से पैसे और होंगे, उसके बाद ये मैं तो मैं आपसे मिलता हूँ जब मैं इस लार्ज लेज़र को मैक्स कर देता हूँ। तो गाइस, हमारा ये लार्ज लेज़र कैमरामैन मैक्स आउट हो चुका है और इसका डीपीएस है 14000। अभी हम एक और लगाने वाले हैं, लगा दो एक। मेरी सबसे ज़्यादा डीपीएस वाली मिथिक्स क्या है? एक है यूटीसी, फिर है ये 15000 वाला टाइटन सिनेमा मैन, फिर ये। ओके गाइस, इसे भी मीडिया ग्लव पे और मैं एक और लगा दूंगा यहाँ पे। मुझे अभी यहाँ पे एक और कुछ करना है, इसलिए मैंने इसे ऐसे लगाया। अब देखो जैसे कोई स्ट्रॉन्ग टॉयलेट आएगा ना, ये मुड़ेगा तो मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका रेंज यहाँ पे आके होता है भाई साहब। यहाँ पे आने तक कोई टॉयलेट जिंदा भी बचेगा? हाँ ये देखो भाई, तो अभी यहाँ पे मैं एक एडजस्ट करके प्लेस करता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ऐसे एडजस्ट करके आराम से प्लेस कर सकता हूँ।
तब मैं करूँगा अपने सेंटर को अपग्रेड ताकि मेरे को मिले पर वे 3,000 रुपये अभी मिल गए 1,500 रुपये तो वाचा अब इनको लास्ट 2,000 का अपग्रेड देना फिर मुझे पर वेव 3,000 रुपये मिलेंगे फिर मैं इनको मैक्स कर दूँगा दोनों को फिर उसके बाद मैं लगाऊंगा अपने ग्लिच 3 यहाँ पर क्योंकि ये जो टाइटन हैं इनके लास्ट और सेकंड लास्ट अपग्रेड बहुत महंगे होते हैं फिर मैं इन्हें बाद में लगाऊँगा कोई ना भाई कोई ना तो मैंने इन्हें दे दिया है 2,500 के अपग्रेड 250 के अब मैं अपने सेंटास को अपग्रेड करूँगा पुलिस टॉयलेट्स 2 पुलिस टॉयलेट्स आते हुए क्या ये 2 पुलिस टॉयलेट्स को मार पाएंगे और साथ में बहुत सारे डबल क्लोज भी हैं वो बात अलग है चलो भाई एक तो हो गया 2,000 का बाकी 2 ही और करते हैं 2,000 के अपग्रेड फिर उसके बाद हमारे पास हो जाएंगे हो जाएगा किसके लिए और अपने यूटीसी की शायद से मेरे को प्लेसमेंट बदल के कहीं और करनी पड़े क्योंकि यहाँ पे क्या इतनी जगह है कि 4 फीट हो जाए एक अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक यहाँ पे एक तक कोने पे एक उधर 9 फीट हो जाएंगे क्रैश करने से पहले अपग्रेड यस मिशन पास डिलीट अब जब तक ये उठेंगे तब तक पास पैसे हो जाएंगे इस वेव के बाद या शायद इसी वेव में मैं इन्हें मैक्स कर दूँगा इन्हें वो कर दूँगा
चलते हैं पर वेव। ये मेरी गन दिक्कत कर रहे हैं शायद से, बाकी सबको तो हमने ऐसे साफ कर दिया, मच्छर जैसे साफ होते हैं। तो इसे भी वेरी गुड 9। काम करता हूँ क्योंकि बॉसेस बहुत आगे तक पहुँच गए थे, इसलिए एक और को मैं 5000 का अपग्रेड दे ही देता हूँ, मैक्स लेवल कर दूँगा एक और को फिर मैं, नहीं तो फिर ये दिक्कत देंगे ना, वो भी तो बात है, और इनका दिक्कत देना मतलब हमारा मरना, तो इनका दिक्कत हमें चाहिए नहीं, इसीलिए ट्राई टू जस्ट तुम लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो और मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ तो अगर तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही होगी तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इन पैसे, ये जो पैसे हैं मेरे पास, इससे मैं इसको एक को और को मैक्स लेवल कर दूंगा। देखो देखो देखो, अब तुम्हें समझ भी आ गया होगा क्यों मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिट जो है बहुत आगे तक पुश कर रही हैं, बहुत आगे तक आ रही हैं, ठीक है, और हो सकता है कुछ रेंज से बाहर भी चली जाएं, जैसे इसकी रेंज वहाँ तक है, इसकी रेंज वहाँ तक है, तो कुछ तो ऐसी भी हैं जो पुश करके चली भी जाएँ रेंज से बाहर और एस्केप भी कर जाएं, इसीलिए मैं कह रहा था कि इसे अपग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉस को मार देगी, पर एक बॉस रेंज से बाहर चला जाएगा, मुझे पता है एक बॉस रेंज से बाहर चला जाएगा, नहीं मार दिया, ओके नाइस, वेरी नाइस। बस इसको एक फाइनल अपग्रेड देना है, फिर उसके बाद मैं लगा दूंगा अपने ग्लिचेस। ओह शिट, ये टॉयलेट बहुत दिमाग ख़राब करता है मेरा, और ये बहुत आगे तक भी चला जाता है ट्रैक में। भाई ये इतनी तेज़ भगते हुए आती है ना भाई साहब, क्या बताऊँ मैं। चलो इसे भी मैक्स कर दिया, अब मैं लगा रहा हूँ अपने ग्लिचेस। पहले एक को लगा के मैच करूँगा, फिर दूसरे को लगा के मैच, फिर दूसरे को लगा के मैच करूँगा, या फिर चलो ग्रुप स्टैकिंग करते हैं। भाई ये क्या कुछ डैमेज नहीं कर रहा है मुझे, कुछ लगभग कुछ भी डैमेज नहीं है ये, स्टन भी हो जाता ना। बोला था स्टन भी हो जाते हैं। ओके, अब एक और लगा देते हैं, रूटेंट टॉयलेट्स। भाई भाई ये लगा दिए, अब इन्हें अपग्रेड करते हैं, 6000 का अपग्रेड, वे थोड़ा डीपीएस करेंगे कम से कम, पर इनके ऊपर ये पड़ जाएगा और दूसरा इनके ऊपर पड़ जाएगा। जाग जाओ भाई, ओके
उसको मार दिया। हज़ार का फिर उसके बाद मैं करूँगा अपग्रेड अपने सेंटास को मैक्स लेवल तक। लेट्स गो लेट्स गो। या फिर चलो पहले ग्लिचेस को ही मैक्स आउट कर देते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे जब आप लोग थोड़ी प्रोग्रेस कर लेते हैं और तीनों ग्लिचेस और सेंटास को मैक्स आउट कर देते हैं, या फिर जब तक हम हार जाते हैं तब मिलता हूँ मैं आपसे। गाइज यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ख़राब लग रही है क्योंकि डुअल ब्लेड वो आ रहा है। नहीं सिचुएशन ठीक है, मार दिया बस। और मैंने इसी के साथ भाई साहब सेंटअप गाइज यहाँ पे आई डोंट थिंक कि हम अभी बचेंगे क्योंकि ये जो है ये हमें मार सकता है। आई थिंक मार दिया, आई थिंक वी आर डेड। तो चलो गाइस बस आज की इस वीडियो के लिए इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब पर और नोटिफिकेशन आइकन कॉल पर सेट कर देना। और मैं मिलता हूँ आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। Sorry.